लंबी लाइन लगी हुई है पोर्ट पे जाने के लिए। हम सामने देख सकते हैं, ये हम पहुंच गए हैं पोर्टेवेलो बीच पर। काफ़ी बड़ा बीच है, लोग सारे गर्मी के मारे घरों से निकले हुए हैं चींटियों की तरह एकदम। बहुत भीड़ है इधर और सब धूप सेक रहे हैं और कुछ पानी का मज़ा ले रहे हैं। हम बहुत गलत चीज़ करके आए शूज पहन के, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। ये है पोर्टोवेलो बीच एडिनबरा का, और ये घर हैं, ये टाउन है। इस तरफ लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वहाँ पे बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं, और पानी के अंदर भी खेल रहे हैं वॉलीबॉल लोग। यहाँ तक रात को पानी आता है, यहाँ तक आता है रात को पानी। अभी अंदर चला गया है, खुदाई का काम शुरू कर दिया है यहाँ से भी। और ये रात को पानी आता है तो यहाँ पे लोग फिर इस रेलिंग के ऊपर से आते हैं देखने के लिए, या फिर सिक्योरिटी जो होते हैं वो पेट्रोलिंग के लिए इस पर से आती है, और कुछ होता है तो। और हम शूज पहन के आ गई पागल लोग। खैर, ये चर्च है, उधर पोर्ट एरिया उस तरफ पड़ता है जहाज़ों के लिए जो है। और ये नावें चल रही हैं उधर डीप सी में भी। सब वॉलीबॉल बीच वॉलीबॉल का नज़ारा, फुटबॉल बीच फुटबॉल। लोग बहुत उकताए हुए हैं गर्मी से यहाँ पे, और हमारे जैसे इंडियंस को लग रहा है आहा कई दिनों बाद सूरज देखने मिला है, वाओ। शीप बिखरी हुई है, लोग लेके भी जाते हैं, पक्का होता है, लेकिन वो सुबह सुबह ही ले जाते हैं ज़्यादातर। तो टूटी हुई पुरानी शीप ही बच्ची होती है इधर। ये देखिए, इसमें से जो जीव होता है वो निकल चुका होता है। बहरहाल हम चलते हैं, अब उतर चुके हैं, अब कीचड़ में पानी की तरफ जा रहे हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खेल रहे हैं, देखिए फुटबॉल, वेरी गुड। ये है नज़ारा पोर्टोवेलो बीच का। अलग अलग तरह के जीवों के खोल पड़े हुए हैं कहीं, पता नहीं इधर कुछ जीव भी होंगे ये जो स्नेल के जैसा, पता नहीं क्या है। शिवाल वगैरह भी बहुत सारे पड़े हैं, पता नहीं। कई बार इधर कुछ मछली वछली डंक भी मार देती है, जेली फिश वगैरह। ये है हमारा बीच का पानी, इधर से ये देखो, ये देखिए आप, शिवाल आ रहा है। वहाँ की गंदा हो गया आज तो, क्योंकि लोग वहाँ तक फैले हुए हैं दूर तक। उधर तो हम इतना दूर नहीं जाने वाले हैं। ये देखिए यहाँ से शहर का नज़ारा, लोगों के धूप सेकने का नज़ारा। इधर पैर रखते हैं तो मिट्टी नीचे से निकल रही होती है पैर के, एक जगह खड़े नहीं हो सकते, आपको चलते रहना होता है चारों तरफ। हाँ कम निकल रही है, गोवा के जैसे नहीं निकल रही है, गोवा के बहुत निकलते हैं। अरे ये आ गए हैं नाव लेके इधर लोग सैर करके समुद्र की। पानी काफी गर्म आ रहा है,
जो ज़्यादा वेग से आती है वो पहले ऊपर उठ जाती है, क्योंकि वो गहरी भी होती है, और नहीं तो धीरे धीरे आती है वो बाद में छिछली होती है। ये बच्चे, छोटे बच्चे भी तैरने के लिए सेफ्टी प्रिकॉशन लेके आ रहे हैं, तो सब प्लेट से हो कैसे खेल रहे हैं। बच्चों के मजे हैं आराम से। तो ये काफी आगे जाके डीप होता है, वैसे छिछला बीच है यहाँ तक। ये देखिए लोग तैर भी रहे हैं, देखिए। पैर अपने आप ऊपर उठते जा रहे हैं, लेकिन बहुत गंदा है, अंदर जाने का और मन नहीं है। जा रहे हैं हालांकि लोग वहाँ तक, ठीक है नहीं जा रहे। वहाँ तक भी 6 फीट से कम ही है, मतलब बहुत दूर तक 5 फीट है। लोग छोटी नाव लेके भी जा रहे हैं, उधर बड़ी नावें भी हैं। लोग पर्सनल बोट लेके भी, अभी जैसे आए ये लोग अपना पर्सनल बोट लेके आए हैं। के नीचे इन लोगों ने समुद्र से पानी बाहर आते ही टायर लगा लिए, तो वो आराम से अब चली जाएगी। आर्टिफिशियल टायर नीचे लगा के अब इसको घिसेंगे आगे, ये दूसरी तरफ भी लगाएंगे ये वाले टायर, तो ये आराम से उधर इनके जगह पे चली जाएगी। ऊपर तक आ रहा है, अभी तो यहाँ तक ही था, अब हमारे शूज भीग रहे हैं। हाँ लोगों से ज़्यादा ये एंजॉय कर रहे हैं माशे, तो समुद्र में जाने की ज़्यादा जल्दी है। खैर हम जाते हैं, बाय बाय पोर्टोबेलो बीच। ये बच्चों के खेल चल रहे हैं इधर, सबसे ज़्यादा मज़े बच्चे ही लेते हैं। सिगरेट बर्ड्स और बहुत गंदा करके रखा है इन लोगों ने, गोवा बीच से भी गंदा है। वापस जा रहे हैं बेबुली। ये यहाँ के घर हैं पोर्टोबेलो के। लो भाई, पोर्टोबेलो शहर नहीं है, खैर टाउन या सबर्ब विलेज है। मिड स्कॉटलैंड का ऑफिशियली रेजिडेंशियल सबर्ब है, तो ज़्यादातर लोग इधर रहिशाई मकान है, ऑफिशियल कम है, या फैक्ट्रीज वगैरह कम है, या है ही नहीं रहने के ज़्यादा बिल्डिंग्स है। यहाँ रुकने के लिए सामने से बसें जा रही है। सिटी सेंटर 3 माइल से ही लिखा हुआ है। यहाँ पे एक मंजिल वाले घर हैं, छोटे मस्त पुराने। ये विंडो यहाँ पे ज़्यादा बड़ी होती है, ऐसा लगता है ना ओपन घर है, लेकिन वो ओपन नहीं, वो एक्चुअली धूप लेने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर टाइम डार्क रहता है, तो धूप के लिए बड़े विंडोज बनाते हैं। और वैसे ये डबल ग्लास विंडो होते हैं, तो अंदर से बहुत गर्म हो जाता है घर इनकी वजह से, तो ये लोग बस थोड़ी सी धूप होते ही बीच की तरफ भागते हैं फिर, या नॉर्थ में चले जाते हैं। ये आप यहाँ का रहन सहन देख सकते हैं, छोटे छोटे पार्क वगैरह, थोड़ा कि माहौल खुशनुमा रहे। फ्लावर्स, गुलाब हर घर में मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो। ये ग्रेवयार्ड है, फ्लावर्स कितने मस्त।